केंद्र सरकार हर महीने देश के गरीबों को मुफ्त में राशन देती है। नरेंद्र मोदी सरकार बीपीएल और अन्य श्रेणी के राशन कार्ड धारक गरीब लोगों को सरकार की तरफ से ये गेहूं दिया जाता है। सरकार एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदती है, इसके बाद इसे अपने गोदामों में रखती है और सभी राज्यों की सरकारों को जरूरत के हिसाब से बांटती है ताकि उन राज्यों के गरीबों को ये बांटा जा सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो नया फैसला लिया है जिसका आपको मिलने वाले गेहूं पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारक पात्र लोगों के लिए एक बुरी खबर है। ये अब केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को गेहूं नहीं देने का फैसला लिया है। पहले जिन गरीबों को हर महीने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, अब ऐसे सभी लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारक सभी लोगों को 5 किलो चावल ही दिए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि पहले 5 किलो राशन मिलता था और अब भी 5 किलो राशन मिलेगा, लेकिन फर्क ये आया है कि पहले 5 किलो राशन में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल होते थे, अब पूरे 5 किलो चावल ही रहेंगे। इस बार रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया में गेहूं की डिमांड तेजी से बढ़ी है, लिहाजा भारत में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। गेहूं के भाव बढ़े तो किसानों ने मंडियों की बजाय बाजार में गेहूं बेचना शुरू किया, जहां उन्हें अच्छे भाव मिल रहे थे। इसका सरकार पर ये असर हुआ कि सरकार गेहूं खरीद का टारगेट पूरा नहीं कर पाई। इस बीच दुनिया के कई देशों में गेहूं का संकट आया तो भारत सरकार ने उन देशों की मदद के लिए गेहूं एक्सपोर्ट भी किया, लिहाजा वक्त के साथ सरकार के स्टोरेज किए हुए गेहूं भंडार में भी कमी आने लगी है। तो सरकार ने सबसे पहले निर्यात पर रोक लगा दी। निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन में इस महीने गेहूं की बजाय चावल बांटने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।